रात को 2:30 बजे इको वैन थी जो सुरनकोट में गई थी किसी जनाजे पे अपना शोक प्रकट करने गए थे। जब वो रात को लौट रहे थे 2:30 बजे के आसपास तो उनका बानगई गांव के आसपास एक एक्सीडेंट हुआ। वो इको गाड़ी थी, उसमें इनिशियल रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि 12 लोग बैठे थे जो कि लिमिट से बाहर है। उसमें से 3 लोगों की वहीं डेथ हो गई जो लेडीज़ थी। एक की डेथ यहाँ हॉस्पिटल में ड्राइवर की पहुँचने के दौरान हुई। उसके बाद 8 पेशेंट्स जो हैं उसमें से 7 हमारे पास मेडिकल कॉलेज में हैं, जिनकी हमने अभी जिनसे बातचीत की आपके सामने। एक पेशेंट जो है जो GS हॉस्पिटल मिलिट्री हॉस्पिटल है उसमें चला गया क्योंकि वह एक आर्मी पर्सन था। तो यहाँ पर मैंने MS को भी साथ में लिया था। सारे डॉक्टर्स उनको अच्छे से पेशेंट को केयर दे रहे हैं और हमारी पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको जो सपोर्ट होगी अंडर रूल्स वो हम इनको पूरी की पूरी प्रोवाइड करेंगे। लेट नाइट में जो एक इको गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई बंगाई एरिया थन्ना मंडी में, तो वहाँ पे जैसे रिपोर्टेडली 3 लोग जो हैं वो वहाँ पे ही जो है वो उनकी डेथ हो गई और एक जो ड्राइवर था गाड़ी का वो यहाँ पे मृत घोषित हुआ हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल GMC रजौरी में। 8 लोग जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थन्ना मंडी से हमारे पास यहाँ एसोसिएटेड हॉस्पिटल GMC रजौरी की एमरजेंसी में रेफ़र हुए। तो ये सभी लोग जो हैं वो इनको मल्टीपल ट्रामा है, किसी को ब्लंट ट्रामा चेस्ट है, किसी को हेड इंजरी है या किसी को फ्रैक्चर है, लेकिन सभी लोग जो हैं वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ट्रीटमेंट हैं। सभी डॉक्टर्स ने, सभी फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं उन्होंने उनको एग्जामिन किया है। तो अभी तक जो हैं ये लोग जो है आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन ये अभी अंडर ट्रीटमेंट रहेंगे आने वाले 2 या 3 दिन तक। लड़की बीमार थी, जो हमारी जो लड़की जो भी जख्मी हुए हैं लोग इनके रिश्तेदार थे, वो तो उसकी डेथ हुई थी सोरा में कल लेट। तो वहाँ से डेड बॉडी आते आते देर हो गई, ये लोग सभी जमा थे वहाँ बफलिया टोपा पीर, वहाँ उसको दफनाया लेट 12 बजे और ये वहाँ से निकले लेट 12:30 बजे लगभग। सवारी भी 10-12 थी इको में, तो बारिश नहीं थी उस वक्त, लेकिन देर से निकले। लोकल लड़का था वहीं का, बंगाई का रहने वाला जो गाड़ी चला रहा था। अब उसकी डेथ हो गई, इसके काज नहीं पूछ सके कि क्या हुआ, गाड़ी स्लिप होगी बाहर निकल गई या रिवर्स आर्डर में आई या कोई कुछ जो भी हुआ वहाँ से एक्सीडेंट हो गया। थाना मंडी से रेना माले से गुजर कर आगे चढ़ाई में, थोड़ी सी चढ़ाई थी, वहाँ से गाड़ी नीचे चली गई 200 फुट गहरी खाई में। तो वहाँ एक डेड बॉडी, एक कैजुअलिटी सपाट पे हो गई वहीं लड़की की। तो यहाँ ये इस गाड़ी में तकरीबन 11 मस्तूरात थी और एक एक्समैन लड़का था उनके साथ, फौजी वो रिटायर था, सवारी भी ज़्यादा थी। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए हाय 972825 3663 पर।